हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मारुति सुजुकी की ओमनी को हमने अलाइनमेंट सही कराने और व्हील बैलेंसिंग करने और जो भी काम था वो कराने के लिए लेके गए थे अलाइनमेंट पॉइंट। तो वहाँ पे दोस्तों कितना खर्च आया और हमारा गाड़ी जो है ओमनी कितना हज़ार किलोमीटर चला है, कितना साल हुआ है और कितने साल होने पर, कितने हज़ार किलोमीटर चलने पर हमने यहाँ पे इसका अलाइनमेंट ठीक कराया है या फिर व्हील बैलेंसिंग चेक कराया है, सारा डिटेल्स देंगे। तो दोस्तों वैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे टायर जो है एक साइड का घिसा हुआ था। तो इसलिए दोस्तों जब भी आपका टायर जो है एक साइड कहीं घिसा हुआ नज़र आए तो आपने गाड़ी का अलाइनमेंट ज़रूर टेस्ट कराने ले जाएँ, क्योंकि दोस्तों यही वजह है कि अलाइनमेंट थोड़ा सा अगर बिगड़ता है तो ये यहाँ पर एक साइड से ये खाने लगता है और ये घिस जाता है। तो हम आए हैं नंदामनी अलाइनमेंट पॉइंट गांधी चक जगत सिंहपुर और यहाँ पे पूरा सर्विस होने के बाद में कितना खर्च आता है वो मैं आपको दिखाने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ। ऐसे अलाइनमेंट कैसे होता है, व्हील बैलेंसिंग कैसे होता है, सारा डिटेल्स वीडियो जो है ऑलरेडी हमारे चैनल पे है, नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। सबसे पहले मैं किलोमीटर पर आपको दिखाऊँ, 10,935 किलोमीटर के लगभग ये चला है। तो दोस्तों इतने किलोमीटर के अंदर में दोस्तों कोई भी टायर जो है हमारा चेंज नहीं हुआ है, कंपनी फिटेड टायर है और अलाइनमेंट जो है यहाँ पे हम कराने आए हैं। तो दोस्तों अलाइनमेंट जो है जैसे आप देखें गाड़ी का टायर जो धीरे धीरे खाने लगता है तो अलाइनमेंट कर लें, चेक करा लें और व्हील बैलेंसिंग भी इसके साथ में करा लें तो बेहतर रहेगा। तो दोस्तों पहला काम शुरू होता है हाइड्रोलिक जैक लगाकर गाड़ी के टायर को निकाला जाता है, यानी कि टायर निकाल दिया जाता है, पहला काम हमारा ये हुआ। तो दोस्तों टायर निकाल देने के बाद में उसके बाद जो है दोनों टायर जो है फ्रंट का दोनों टायर और हमने व्हील बैलेंसिंग जो है पूरा चारों टायर का करा दिया है, क्योंकि दोस्तों कोई दिक्कत ना आए, जब भी बैलेंसिंग कराएं तो चारों टायर का जो है चेक करा लें। तो दोस्तों पहला प्रोसेस जो था यहाँ पर टायर जो है घिस चुका था, इसलिए टायर को हमें क्या करना था, पलटाना भी ज़रूरी था और व्हील बैलेंसिंग भी चेक कराना था और अलाइनमेंट भी कराना था। ये सारा काम हुआ। पहले जो है टायर को यहाँ पे मशीन में डाला कर इसको लूज किया गया और टायर पलटाने का काम किया गया, यानी कि टायर को रिम से निकाल कर उसको दोबारा से उल्टा कर लगाया गया, पहला प्रोसेस ये था। तो दोस्तों ऐसे काम के लिए जो अमाउंट इन्होंने रखा है वो रखा है 60 रुपीज, यानी कि दोस्तों एक टायर का अगर आप टायर पलटाते हैं तो 60 रुपीज है ओमनी के टायर के लिए। तो दो टायर का जो है 120 रुपीज, ये बिल में ऑलरेडी मेंशन किया गया, मैंने देखा होगा। और अलाइनमेंट करने का दोस्तों फ्रंट के दोनों टायर का 2,500 रुपया लिया है, वो भी आप बिल में मेंशन किया हुआ देख सकते हैं। और साथ में जो व्हील बैलेंसिंग किया गया है चारों टायर का, उसका जो है पर टायर 70 रुपीज लिया गया है, ओवरऑल 280 रुपीज हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ में दोस्तों जो व्हील बैलेंसिंग के वक्त जो है शीशा लगाया जाता है वो भी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊँगा। व्हील बैलेंसिंग होते वक्त ये जो है व्हील बैलेंसिंग जो है यहाँ पे हो रहा है, या फिर टायर को एक मशीन में लगा दिया जाता है, उसको वहाँ पे टाइट कर दिया जाता है अच्छी तरह से, टाइट कर देने के बाद में मशीन को चालू कर दिया जाता है और मशीन चालू होने के बाद में पता चल जाता है कि किस साइड में कितना वज़न इसको चाहिए, वो उस हिसाब से यहाँ पर वज़न जो है शीशा उसमें लगा देते हैं। तो ओवरऑल आपने बिल देखा 750 रुपीज़ का आया है, जो मेरे हिसाब से ठीक ठाक है। अगर आपके एरिया में इतना काम होता तो कितना कॉस्ट आता, आप ज़रूर कमेंट करके बताएँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें।